सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के जेर एहतमाम फाउंडेशन स्टैंड मिडिल स्कूल की इमारत का संग बुनियाद की पुरवकार तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के रीजनल डायरेक्टर सखर इशफाक मीरानी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इब्तदाई तकरीब से खिताब करते हुए रीजनल डायरेक्टर इशफाक मीरानी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तआवुन से सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सिंध के हर बच्चे को मुफ्त और मियारी तालीम फराहम करने का अज़म रख कर रखा है, जिसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सखर रीजन में 1000 से ज़ायद सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल काम कर रहे हैं, जबकि ज़िले में मजीद 33 नए स्कूल कायम किए जा रहे हैं। इसके तहत फाउंडेशन स्टैंड मिडिल स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रख दिया गया, जिसमें 6ठी से 8वीं जमात के तलबा और तालिबात को मुफ्त मियारी तालीम फराहम की जाएगी, जबकि प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री और एलिमेंट्री को मिडिल, जबकि मिडिल को सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया जा रहा है, ताकि बच्चों को बेहतर तालीम के हसूल में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों में आला तालीम याफ्ता इस्तादों को भर्ती किए गए। इस मौके पर स्कूल ऑपरेटर शहजाद चाचर, शाह मोहम्मद चाचर, सीनियर सहाफ़ी नज़ीर अहमद मलिक और मकबूल खान ने भी तकरीब से खिताब किया, जबकि इस मौके पर आने वाले मौजूद मेहमानों को सिंध की सकाफती अजलक के तहफ़ पेश किए गए, मिठाइयाँ तकसीम की गई।